Hello everyone, today I will explain you history chapter number 2, and that is from hunting, gathering to growing food. So first of all I will start from book exercise. Here firstly fill ups, complete the sentences. Hunter gatherers choose to live in caves and rock shelter because, and the answer is they gave shelter from rain, heat and wind. They gave shelter from rain, heat and wind. Number second, Phillips, grassland developed around dash years ago, and the answer is 12,000 years ago. Third, Phillips, early people painted on the dash of the caves. Early people painted on the dash of the caves. The answer is walls of the caves. जो लोग थे वो paint करते थे गुफाओं की दीवारों को. And the fourth one, D, in Hansagi tools were made of dash. जो हंसगी था वहाँ पे जो टूल्स बनते थे वो किससे बनते थे, एंड द आंसर इज लाइमस्टोन. ओके, सो दीज आर फोर फिलप्स. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो हंटर गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल क्यों करते थे, एंड द आंसर इज हंटर्स गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. सो नंबर वन इज इन सर्च ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेस. प्लांट्स और एनिमल अपने फूड के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स की सर्च के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रैवल करते थे. इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ प्रे एज एनिमल एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब अपने शिकार को खोजने के लिए, एनिमल्स को, बर्ड्स को खोजने के लिए वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे. नंबर फोर्थ रीजन है प्लांट्स एंड ट्रीज bears fruit in different season, so they move with changes in season also. जो plants थे और जो tree थे वो जो fruits हैं उनके किसी particular season में वो grow होते थे, तो वो according to season वो in search of fruits और vegetables वो जो early man हैं वो move करते थे एक जगह से दूसरी जगह. And the next question is, list three ways in which hunter gatherers used fire. Would you use fire for any of these purposes today? So answer is hunter gatherers used fire as a source of light. मतलब वो फायर को यूज़ करते थे, एक दैट टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ठीक है, तो वो एज ए सोर्स यूज़ करते थे, लाइट का सोर्स. टू रोस्ट, अपने फूड को पकाने के लिए, मांस को पकाने के लिए. एंड टू स्केयर्स अवे एनिमल्स, जंगली जानवरों से बचने के लिए. एंड इन कोल्ड वेदर एज अ सोर्स ऑफ लाइट, और ठंडे मौसम से बचने के लिए वो सोर्स ऑफ हीट थी जो आग थी, इसके लिए वो यूज करते थे फायर को. नाउ नेक्स्ट है व्हाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स. नेक्स्ट, व्हाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई तो लोग क्या करने लगे, सेटलमेंट बना के रहने लगे, एक जगह पे रहने लगे. पहले क्या था, पहले जो अर्ली मैन था वो
हंटर गैदरर था, एक जगह नोमैड था, एक जगह से दूसरी जगह पे वो शिकार करने के लिए घूमता रहता था। जैसे जैसे फायर की इन्वेंशन हुई, फिर एग्रीकल्चर की इन्वेंशन हुई, तो वो एक जगह पे रहने लगा। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स इट मेंट दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन रिपेंट। तो मतलब वो क्या करने लगा, एक जगह पे रहने लगा। जैसे वो प्लांट्स को ग्रो करता था, इसका मतलब ये है कि वो एक जगह पे लॉन्ग टाइम के लिए रहने लगा, अपने प्लांट्स की देखभाल करने लगा, उन्हें पानी देने लगा, उन्हें बीज देने लगा, एक्स्ट्रा प्लांट्स को रिमूव करने लगा, उन्हें जंगली जानवरों से, एनिमल से, बर्ड्स से बचाने के लिए वो उनकी लुक आफ्टर करने लगा। ठीक है, जब तक, कब तक करता था, जब तक कि वो फसल पक नहीं जाती थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद एंड दैट हर्डिंग बिकम मोर इम्पोर्टेंट लेटर। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो लोग मेहरगढ़ में रहते थे, स्टार्टिंग में वो हंटर्स थे, शिकारी थे, और बाद में उनके लिए हर्डिंग करना, पशुओं को पालना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर है मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट एंड रेयर शीप्स एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जो मेहरगढ़ में था, शायद वो ऐसा एक प्लेस था, यहाँ पे मैन और वुमेन ने सबसे पहले फसलों को ग्रो करना सीखा था, बार्ले और वीट को, शीप रेयरिंग सीखी थी, गोट को उन्होंने पालना सीखा था, शीप को, फर्स्ट टाइम ये एरिया में यहाँ पे ये सब हुआ था। सो ये सबसे पहला विलेज था, अर्लीस्ट विलेजेस। नंबर टू, आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड द साइट फाउंड एविडेंस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स, bones from the earliest levels. This includes bones of wild animals such as the deer and pigs. In later levels they found more bones of sheep and goats. जो archaeologists थे जिन्होंने खुदाई की है sites में से, उन्हें evidence proof मिले हैं, कई तरह के animals की bone मिली हैं। ठीक है, तो उनमें wild animal की bone थी, जैसे कि deer की, pigs की, और उसके बाद उन्हें शीप और गोट्स की भी बोन मिली हैं। इससे ये क्लियर होता है कि वो शीप और गोट को रेयर करते थे और वहाँ पे वाइल्ड एनिमल सच एज डियर और पिग्स थे। ठीक है, सो देयर आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वर हंटर गैदरर्स, हंटर गैदरर कौन थे। हंटर का मतलब होता है शिकार करने वाले, गैदरर जो उन शिकार को इकट्ठा करते हैं। The early people who hunted wild animals, caught fishes and birds, gathered fruits of the plant, seeds, eggs, etc. were called hunter-gatherers. जो early people थे जो hunting करते थे wild animals की, for example fishes की, birds की, fruits को gather करते थे, plants को, seeds को, eggs को, and they were called hunter-gatherers. Number second question is, What were the different uses of stone tools? Stone tools को जो early man थे वो कैसे कैसे use करते थे, stone से बने हुए जो tools होते थे, जो औजार होते थे। Stone tools were used to cut meat and bones, to chop fruits and roots. Some were used to make spears and arrow along with handle for hunting. जो stone tools थे वो use होते थे मीट को कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, उनकी रूट्स को कट करने के लिए, और कुछ यूज़ होते थे तीर कमान बनाने के लिए, और जो उनका हैंडल होते थे वो किससे बन
हैंडल भी बनाते थे वो, जिससे कि वो हंटिंग कर सकें, हैंडल भी उनके साथ बनते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मटेरियल टूल्स वर मेड इन अर्ली टाइम। जो मटेरियल बन जो टूल्स बनते थे वो किस मटेरियल से बनते थे पहले समय में। टूल्स वर मेड अप ऑफ स्टोन्स वुड एंड बोन्स इन अर्ली टाइम। जो टूल्स बनते थे वो पत्थर से बनते थे, लकड़ से बनते थे और एनिमल्स की हड्डियों से बनते थे। नेक्स्ट इज नेम द साइट्स वेयर हंटर गैदरर्स आर फाउंड। जो हंटर गैदरर हैं वो कौन सी साइट्स पे मिले हैं उनके जो एविडेंस। आंसर इज बिम्भेद का, हंसगी एंड कुरनोल केव्स, इन केव्स में इनके एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। समटाइम पीपल लिव एट अ फैक्ट्री साइट्स फॉर लॉन्ग स्पेल्स ऑफ टाइम। दीज साइट्स वर कॉल्ड हैबिटेंस कम फैक्ट्री साइट। मतलब कभी कभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी लंबे समय के लिए उन जगहों पे रहते हैं, यहाँ पे जो सामान है उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो इन साइट्स को बोलते हैं हैबिटेंट कम फैक्ट्री साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर फैक्ट्री साइट्स। द आंसर इज प्लेसेस वेयर स्टोन्स वर फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। मतलब वो जगह यहाँ पे स्टोन्स मिले हैं जिससे लोग क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे, औजार बनाते थे। फॉर एग्जांपल सिक्कल्स बनाते थे, एरो बनाते थे, ठीक है, और चॉपर्स बनाते थे, एंड दे आर कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स। लास्ट क्वेश्चन नेम द प्लेसेस वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पैलोलिथिक साइट्स आर फाउंड। एज यू नो कि पैलोलिथिक साइट्स जो होती है वो सबसे पुरानी साइट्स है अर्ली मैन की, ठीक है, तो वहाँ पे जो एविडेंस मिले हैं, आंसर इज द हंसगी इन प्रेजेंट डे कश्मीर। कश्मीर में एक जगह है हंसगी, वहाँ पे पैलोलिथिक साइट्स के जो एविडेंस मिले हैं। देर आर थ्री फेसिस ऑफ अर्ली मैन, पैलोलिथिक, मैसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलोलिथिक जो सबसे पुराना था, मैसो जो मिडल वाला था, और नियोलिथिक जब इन्वेंशन हुई थी एग्रीकल्चर की या न्यू स्टोन टूल्स यूज़ किए जाते थे। सो एट दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।